देश के लोकतंत्र को नया भवन मिल चुका है। प्रधानमंत्री मोदी ने विधिवत पूजन और मंत्रोच्चार के बीच लोकसभा में राजदंड यानी सेंगोल स्थापित किया, तत्पश्चात संसद भवन का लोकार्पण किया। इस पूरे कार्यक्रम का विपक्षी दलों ने बहिष्कार किया। दरअसल इन दलों का कहना था कि संसद भवन का लोकार्पण पीएम मोदी के हाथों नहीं बल्कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाथों से कराया जाना चाहिए। खैर, पीएम मोदी नई संसद का लोकार्पण कर चुके हैं, लेकिन विपक्षी दल इस मौके पर भी निशाना साधने से बाज नहीं आए। किसी ने संसद भवन की तुलना ताबूत से कर डाली तो किसी दल ने इसे देश का कलंक बता डाला। इस पर विपक्ष और बीजेपी के बीच जुबानी जंग जारी है तो वहीं सोशल मीडिया भी कुश्ती का अखाड़ा बन चुका है। आइए आपको बताते हैं कि आखिर पूरा माजरा क्या है, क्यों संसद के उद्घाटन के बाद भी हाय तौबा मची हुई है। दरअसल बात यह है कि नए संसद भवन के उद्घाटन के बाद आरजेडी की ओर से एक ट्वीट किया गया था जिसमें नए संसद भवन के साथ ताबूत की एक फोटो शेयर की गई थी। साथ ही कैप्शन में लिखा था कि ये क्या है। इस ट्वीट के बाद बीजेपी अग्रेसिव मोड में आ गई और आरजेडी को आड़े हाथों लिया। बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने ट्वीट कर रिप्लाई करते हुए कहा कि 2024 में देश की जनता आपको इसी ताबूत में बंद करके गाड़ देगी और नए लोकतंत्र के मंदिर में आपको आने का मौका भी नहीं देगी। जबकि बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने ट्वीट करते हुए कहा कि आरजेडी की राजनीति के ताबूत में आखिरी कील साबित होगा। बता दें कि नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू भी बयानबाजी में पीछे नहीं रही। जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार ने कहा है कि नए संसद के जरिए देश के कलंक का इतिहास लिखा जा रहा है। वहीं बड़बोले नेता स्वामी प्रसाद मौर्य भी कहां चूकने वाले थे। उन्होंने सेंगोल की स्थापना में दक्षिण के अधिकतम संतों को बुलाए जाने पर सवाल उठा दिए। मौर्य ने ट्वीट कर कहा कि सेंगोल की स्थापना और पूजन में दक्षिण के कट्टरपंथी ब्राह्मण गुरुओं को बुलाया जाना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के ट्वीट को बीजेपी ने हास्यास्पद बताते हुए कहा है कि इसमें से अज्ञानता की बू आती है। स्वामी प्रसाद मौर्य को नहीं मालूम ये अधीन पिछड़े वर्ग के समुदायों के द्वारा चलाए जाते हैं। ये समुदाय भगवान शिव की पूजा करता है। इस तरह की टिप्पणी इन पवित्र अधीनमों और हिंदू धर्मों का अपमान है। इधर कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने संसद भवन के उद्घाटन में राष्ट्रपति को नहीं बुलाए जाने पर कहा है कि देश की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति को अपने संवैधानिक कर्तव्यों को निभाने नहीं दिया जा रहा है। इसके साथ ही जयराम रमेश ने आरोप लगाया कि जिस प्रधानमंत्री को संसदीय प्रक्रियाओं से नफरत है, जो संसद की ज्यादातर कार्रवाइयों में शामिल नहीं होते, उनसे संसद भवन का उद्घाटन कराया जाना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। वहीं एनसीपी नेता सुप्रिया सुले का कहना है कि उद्घाटन समारोह में विपक्षी दलों के शामिल न होने की वजह से ये कार्यक्रम अधूरा है। विपक्ष के बिना एक नए संसद भवन का उद्घाटन करने का मतलब देश में लोकतंत्र खत्म हो चुका है। देश के लोकतंत्र को नया भवन मिल चुका है। प्रधानमंत्री मोदी ने विधिवत पूजन और मंत्रोच्चार के बीच लोकसभा में राजदंड यानी सेंगोल स्थापित किया, तत्पश्चात संसद भवन का लोकार्पण किया। इस पूरे कार्यक्रम का विपक्षी दलों ने बहिष्कार किया। दरअसल इन दलों का कहना था कि संसद भवन का लोकार्पण पीएम मोदी के हाथों नहीं बल्कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाथों से कराया जाना चाहिए। खैर, पीएम मोदी नई संसद का लोकार्पण कर चुके हैं, लेकिन विपक्षी दल इस मौके पर भी निशाना साधने से बाज नहीं आए। किसी ने संसद भवन की तुलना ताबूत से कर डाली तो किसी दल ने इसे देश का कलंक बता डाला। इस पर विपक्ष और बीजेपी के बीच जुबानी जंग जारी है।